नमस्कार दोस्तों, यूपी इंफ्रा वीकली अपडेट्स में आपका स्वागत है। चलिए देखते हैं इस वीक की अपडेट्स। पहली अपडेट वाराणसी से है, जहां दोस्तों वाराणसी में वर्ल्ड क्लास पावर डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी डेवलप होने वाली है। यहां पर दोस्तों करीब 1314 करोड़ रुपीस का फंड सेंक्शन कर दिया गया है। शंभू कुमार मैनेजिंग डायरेक्टर है पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के। इन्होंने कहा है कि प्रोजेक्ट का एम अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई को बढ़ाना है वाराणसी के अंदर। इसके तहत 15 न्यू पावर सब स्टेशन स्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अलावा 21 सब स्टेशन में एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर्स भी सेटअप किए जाएंगे। करीब 1000 से ज्यादा नए ट्रांसफार्मर्स को भी इंस्टॉल किया जाएगा और इसमें करीब 1040 करोड़ रुपीस का खर्च होगा। दोस्तों यहाँ पर इंडस्ट्रीज ट्रेड संबंधित बिजनेस को काफी लाभ होगा। 24x7 आवर पावर डिस्ट्रीब्यूशन से यहाँ पर बिजनेस को बूस्ट मिलेगा। नेक्स्ट अपडेट अगेन वाराणसी से है, जहाँ दोस्तों एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टेंडर फ्लोट किया है फॉर एनुअल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ 1.2 मेगावाट ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट इन वाराणसी। यहाँ पर दोस्तों जो भी बिड विनर होगा उसको 24 मंथ्स के अंदर यहाँ पर सोलर प्रोजेक्ट को सेटअप करना होगा। लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे इस प्रोजेक्ट को सेटअप किया जाएगा। इसके तहत यहाँ पर मेंटेनेंस ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंस्टॉलेशन इस पर भी काम किया जाना है। यहाँ पर प्रोजेक्ट की एस्टिमेटेड कॉस्ट 24 मिलियन है। बिड सबमिशन की लास्ट डेट 8 अप्रैल 2024 है। दोस्तों उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो एयरपोर्ट्स हैं वहाँ पर इस प्रकार के ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स को अब सेटअप किया जा रहा है। 2022 से ही रूफटॉप ग्राउंड माउंटेड सोलर प्रोजेक्ट्स यूपी में सेटअप हो रहे हैं। उसी कड़ी में ये भी एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट अपडेट गोरखपुर से है, जहाँ दोस्तों इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अपना सेकेंड कंप्रेस बायोगैस प्लांट गोरखपुर में स्थापित कर लिया है और सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने इसका इनॉग्रेशन भी कर दिया है। दोस्तों ये प्रोजेक्ट इसको CGID कंसल्टेंट ने असिस्ट किया था एंड इसको सेटअप किया गया है। ये प्लांट 20 टन प्योर कंप्रेस बायोगैस प्रोड्यूस करेगा पर डे, जो कि सिग्निफिकेंट इंपैक्ट डालेगा वेस्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने की दिशा में गोरखपुर के अंदर। नेक्स्ट अपडेट नोएडा से है, जहां दोस्तों डेवलपर्स जो कि क्रिकेट स्टेडियम कंस्ट्रक्ट कर रहा था नोएडा के अंदर, यहां पर स्पोर्ट्स सिटी सेक्टर 152 में प्रस्तावित की गई थी। ये दोस्तों प्रोजेक्ट 2015 से पहले का है। नोएडा अथॉरिटी ने 25 एकर्स लैंड पार्सल को एलोकेट नहीं किया और इसका पोजीशन हैंडओवर नहीं किया डेवलपर्स को। इसके कारण यहाँ पर दोस्तों ये मामला हाई कोर्ट चला गया था। कई सालों से ये मामला कोर्ट के अंदर ही है। अप्रैल 2023 में 25 एकर्स लैंड पार्सल ATS होम्स को दिया गया था। 2022 में ATS होम्स ने पिटीशन दायर की थी। यहाँ पर दोस्तों 125 एकर्स के क्षेत्र में नोएडा के अंदर स्पोर्ट्स संबंधित फैसिलिटीज को डेवलप करने का प्रस्ताव था और इसके तहत यहाँ पर 2021 के अंदर यहाँ पर इसके तहत इसका कॉन्ट्रैक्ट ATS होम्स को दिया गया था। मैं आपको सिंपली बता दूं, 125 एकर्स में इंटरनेशनल क्रिकेट कम स्पोर्ट फैसिलिटीज डेवलप करनी थी। इसके अलावा यहाँ पर कई सारा एरिया रेजिडेंशियल डेवलपमेंट और कॉमर्शियल डेवलपमेंट के लिए भी प्रस्तावित किया गया था। तो यहाँ पर दोस्तों जो कॉमर्शियल डेवलपमेंट है और जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है उस पर तो काम काफी सही से रहा, लेकिन जब हम स्पोर्ट फैसिलिटीज की बात करते हैं तो उस पर काम सही से नहीं हो पाया और उसके कई कारण हैं। हालांकि दोस्तों मुझे इस पर बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है। 2021 में नोएडा अथॉरिटी ने मैप्स में अमेंडमेंट किया था और लेआउट चेंज किया था और इसके बाद इस कंपनी को सस्पेंड कर दिया था, जिस कारण दोस्तों यहाँ पर ये प्रोजेक्ट लेट हो गया और अभी भी दोस्तों इस पर कोई फैसला नहीं आया है। नेक्स्ट अपडेट प्रयागराज से है, जहाँ दोस्तों प्रयागराज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डिसाइड किया है कि वह 3D डिजिटल ट्विन क्रिएट करेगी। यहाँ पर दोस्तों सिटी की जो सिविक बॉडी है रेवेन्यू और सिटी के अंदर रेवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए दोस्तों इस मैपिंग का यूज ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए किया जाएगा। ये एक वेब इनेबल GIS एप्लीकेशन होगा जो कि ग्राउंड इन्फॉर्मेशन देगा। यहाँ पर स्ट्रीट लेवल की इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी विद गुड क्वालिटी। इसके तहत स्टेट ऑफ द आर्ट मैपिंग एंड सर्वे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा। यहाँ पर लिडार सर्वे भी होने वाला है। तो यहाँ पर दोस्तों एक प्रकार की मैपिंग की जाएगी सिटी की और ये स्ट्रीट लेवल की मैपिंग होने वाली है। यहाँ पर दोस्तों ऐसी मैपिंग स्मार्ट सिटी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। आपको बता दूं कि इसके तहत रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन भी इनवाइट किया गया था 12 फरवरी को और यहाँ पर 4 मार्च को इसके लिए टेक्निकल बिट्स भी इनवाइट किए गए थे। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी यहाँ पर किसी भी फर्म को सिलेक्ट नहीं किया गया है। जो भी फर्म यहाँ पर सिलेक्ट होगा उसको 120 डेज के अंदर प्रयागराज का 3D मैप तैयार करना होगा। इनिशियली 4.5 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में ये मैप तैयार किया जाएगा जो कि सिविल लाइन का एरिया होने वाला है। देन उसको एक्सपांड किया जाएगा सिटी के अन्य एरियाज को भी इसमें कवर किया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेशन से है, जहां दोस्तों सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने 64 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ 328 करोड़ है इनका इनॉग्रेशन किया है। यहां पर दोस्तों महादेव ब्रिज
इसका जो निर्माण कार्य है ये पूरा हुआ है बरेली के अंदर। और इसके अलावा बरेली के अंदर जल्द ही आईटी पार्क भी बनकर तैयार होगा, इस पर भी योगी आदित्यनाथ जी ने स्पीच दी थी। वहीं 102 प्रोजेक्ट्स जिनकी वर्थ 288 करोड़ है, इनका भी इनॉग्रेशन किया गया है फरुखाबाद के अंदर। वहीं उन्नाव के अंदर सातान पासी फोर्ट, इसके भी रिस्टोरेशन के काम को शामिल किया गया है। नेक्स्ट अपडेट अगेन प्रयागराज से है, जहां दोस्तों 2.2 किलोमीटर लॉन्ग रोपवे प्रोजेक्ट NHLML ने बहुत पहले ही टेंडर इन्वाइट किए थे और यहाँ पर दोस्तों HM मॉडल के तहत यहाँ पर डेवलपर्स को चुना गया है। आपको बता दूं कि इसके तहत शंकर विमान मंडपम से त्रिवेणी पुष्प तक रोपवे को चलाया जाएगा, देन बाद में इसका एक्सपांशन भी होगा। इसके तहत यमुना रिवर के ऊपर यहाँ पर ये रोपवे गुजरने वाला है, जो कि बहुत ही अच्छा व्यू देने वाला है यहाँ पर टूरिस्ट को और श्रद्धालुओं को। यहाँ पर दोस्तों इसके तहत कई सारे डेवलपमेंट वर्क प्रपोज किए गए हैं, इसके तहत यहाँ पर डेवलपर को भी चुन लिया गया है। साई इटर्नल फाउंडेशन, इसके डेवलपमेंट के लिए चुना गया है, करीब 129.60 करोड़ रुपीस की बिड इसने जीती है। आपको बता दूं कि करीब इसको 12 महीनों के अंदर इसका निर्माण कार्य पूरा करना है। और दोस्तों कुंभ मेले के लिहाज से ये परियोजना बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिस पर जल्द ही काम शुरू होगा। नेक्स्ट अपडेट RRTS कॉरिडोर से संबंधित है, जहां दोस्तों रिसेंटली मोदी नगर तक RRTS कॉरिडोर की स्ट्रेच को ऑपरेशनल किया गया था और इसके बाद दोस्तों यहां पर राइडरशिप में अच्छी ग्रोथ देखी जा रही है। जहां पहले RRTS में डेली राइडरशिप 2500 से 3000 के आसपास थी, वह बढ़कर 12000 हो गई है। और अभी दोस्तों केवल 34 किलोमीटर का ही स्ट्रेच ऑपरेशनल हुआ है, 82 किलोमीटर लॉन्ग दिल्ली मेरठ RRTS कॉरिडोर का। अभी जो मेजर स्ट्रेच है वो दिल्ली से जो सराय काले खां है वहाँ का स्ट्रेच है, जो कि अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ है। उसके ऑपरेशन होने के बाद यहाँ पर दोस्तों राइडरशिप में बहुत ज्यादा ग्रोथ होने वाली है। आपको बता दूं कि जो एस्टिमेशन NCRTC ने लगाया है वो 800,000 डेली राइडरशिप का है, और अभी जो राइडरशिप यहाँ पर आ रही है इसका तो ये 1% भी नहीं है। अभी यहाँ पर दोस्तों आपको राइडरशिप में बहुत ज्यादा ग्रोथ देखने को मिलेगी, जैसे ही यहाँ पर दिल्ली का जो स्ट्रेच है ये ऑपरेशनल होगा। नेक्स्ट अपडेट अयोध्या से है, जहाँ दोस्तों अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा अयोध्या में इयर सिटी डेवलप करने का प्रस्ताव दिया गया है। और दोस्तों ये प्रस्ताव 4-5 महीने पुराना है और इस पर अब ज्यादा अपडेट आ रही है। दोस्तों किसान इस पर अब कोर्ट जा सकते हैं और इसके कई कारण है कि वो कोर्ट क्यों जा रहे हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पर करीब 150 एकड़स के क्षेत्रफल में ये एयरसिटी डेवलप की जाएगी। हालांकि ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी एयरसिटी नहीं होने वाली है, जैसे कि हम नोएडा में देखने वाले हैं या फिर लखनऊ के अंदर देखने वाले हैं, फिर भी दोस्तों एक रिजनेबल साइज है। और यहाँ पर दोस्तों इस एयरसिटी के अंदर होटल कॉम्प्लेक्सेस, आयुर्वेदिक सेंटर, वेडिंग हॉल भी सेटअप किए जाएंगे, ऐसा अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का प्लान है। हालांकि अभी इसका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट नहीं आया है, लेकिन ये तय कर लिया गया है कि कहां भूमि अधिग्रहित की जाएगी। इसी कारण दोस्तों यहां पर किसानों द्वारा इस पर प्रोटेस्ट करने का प्लान है। नेक्स्ट अपडेट वाराणसी से है, यहां पर दोस्तों स्टारबक्स ने अपनी ओल्ड बिल्डिंग को रीडेवलप किया है और यहां पर रिनोवेशन किया है, और रिनोवेशन के साथ साथ जो यहां पर आर्किटेक्ट को यूज किया गया है उस पर बहुत सारी प्रतिक्रिया आ रही है। ट्विटर पर इस पर काफी विवाद हो रहा है, काफी लोगों ने इस पर अपने विचार रखे हैं। का क्या विचार है इस पर आप जरूर रखें। यहाँ पर दोस्तों भारत के अंदर अगर हम आर्किटेक्चर डिजाइन की बात करें और इस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। हमारे यहाँ पर आर्किटेक्चर पे इतना फोकस होता नहीं है। हालांकि पुराने समय में जो हमारे टेम्पल्स के आर्किटेक्चर है उस पर बहुत ज्यादा फोकस हुआ है। आपकी स्मृति में आपको टेम्पल के आर्किटेक्चर के बारे में पता होता है, लेकिन उस समय में जो वैसी कॉमन बिल्डिंग्स होती थी या फिर जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स होती थी उनका आर्किटेक्चर कैसा था, आज के समय उन पर अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो तो वो कैसा हो, इस पर भी दोस्तों ध्यान देने की जरूरत है। जिस प्रकार चाइना ने अपने ट्रेडिशनल आर्किटेक्चर को प्रमोट किया है और उसको प्रिजर्व किया है, उसी प्रकार दोस्तों भारत को भी अपने आर्किटेक्ट को प्रिजर्व करना चाहिए। जब हम भारत की बात करते हैं तो हम भारत के उस आर्किटेक्चर की बात करते हैं जो इंडिजिनियसली डेवलप हुआ हो विदाउट एनी म्यूटेशन, जो कि प्योर इंडियन आर्किटेक्चर हो। और इसीलिए दोस्तों मैं आपके विचार यहां पर जानना चाहूंगा। सो गाइस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।